गांव में वाणी चल रही थी 2567 की, पेज दो के मध्याग में बात चल रही थी कि कल की आयु 5000 वर्ष है और ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधी आधी गाई हुई। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है, कहीं ये नहीं कहा कि प्रजापिता या दिन और प्रजापिता की रात गाई हुई है, नहीं। ब्रह्मा अंधेरे में आता है और ब्रह्मा उजाले में आता है। जब ब्रह्मा अंधेरे में आएगा तो ब्राह्मण भी अंधेरे में आते हैं। फिर ब्रह्मा के रात को दिन बनाने वाला कौन? निमित्त कौन बनता है? ब्रह्मा की रात, सुब्राह्मणों की रात, रात माना अज्ञान अंधेरी रात, सब निश्चय निश्चय के चक्कर में डोलते रहते हैं, तो अज्ञान अंधेरे में हुए ना, बुद्धि में ठोकर लगती रहती है। अटल निश्चय बुद्धि कोई हो नहीं पाता। आखिरीन ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला कौन? कोई कहेंगे शिव बाबा, शिव ज्योति बिंदु। अगर दिन बनाने के निमित्त कहा जाए, निमित्त साकार को कहा जाता है। शिव बाबा कहा तो साकार भी है, क्योंकि साकार निराकार का मेल है। सन 36 में आया तो ब्रह्मा का दिन नहीं कहेंगे, रात ही कहेंगे, क्योंकि आया कोई ने पहचाना नहीं। सन 76 के प्रत्यक्षता वर्ष में भी जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, मना तो लिया, जैसे भक्ति मार्ग में भी मनाते रहते हैं, लेकिन जाना किसी ने नहीं। अटल निश्चय बुद्धि होकर के किसी ने नहीं जाना। आखिर भोर सोजरा कब कहा जाए? ब्रह्मा का दिन कब कहा जाए? कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश कहते तो है। विदेशी लोग कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा रात्रि के 12 बजे से, तो रात्रि के 12 बजे से दिन की शुरुआत मान लेते हैं। भारतवासियों की तिथि 12 बजे से नहीं पलटती। जब प्रैक्टिकल में सूर्य निकल आता है, सूर्योदय होता है, तब कहते हैं नए दिन की शुरुआत हुई। ये अंतर क्यों हुआ? ये अंतर इसलिए हुआ कि ब्रह्मा नाम से जो पार्टधारी हैं, वो अनेक हैं। मुरली में बोला है ना, ब्रह्मा तो अनेक हैं, प्रजापिता एक गाया हुआ। ब्रह्मा जगदम्बा को भी कहेंगे, दोनों का अर्थ एक ही है।
ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, जिससे बड़ी कोई माँ होती नहीं, और सारे जगत की अम्बा वो भी माता है, उसकी कोई माता होती नहीं। लेकिन दोनों ही अज्ञान अंधेरे में, इसलिए बोला कि एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। एक की बुद्धि अगर पावन बन जाए तो नंबरवार सब मालाएं तैयार हो जाए, चाहे छोटी माला हो, छोटी सी छोटी, और चाहे बड़ी सी बड़ी माला हो। छोटी माला है 8 की, बड़े से बड़ी माला है 500-700 करोड़ की। माला माने संगठन, सारी दुनिया को एक संगठन के सूत्र में बंधना है। संगठन माना यूनिटी, और यूनिटी काहे से बनती है, है? प्योरिटी से बनती है। तो प्योरिटी का सारा मदार किसके ऊपर आ जाता है? प्रजापिता के ऊपर आता है, ब्रह्मा नाम के जो भी हुए उनके ऊपर आता है, या नंबर वाले ब्राह्मणों के ऊपर आता है? मुरली में अव्यक्त वाणियों में इशारा तो दिया है, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार होता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है, एक ही है, जहां हर धर्म की आत्माओं ने राज्य किया है। सब उसकी गोद में पले हैं, जगत जननी है। छोटी मोटी माताएं हैं, खास करके भारत की माताएं, नंबरवार माताएं हैं, नंबरवार बंधन में है। उन सब माताओं की जो माता होगी वो छोटे मोटे बंधन में होगी या बड़े से बड़े बंधन में होगी? नाम रख दिया है सीता, जगत जननी है, सारे जगत की मां, और इतने ढेर सारे बच्चे, उनमें विदेशियों की संख्या तो बहुत ही ज्यादा है, और वो विदेशी जगत माता को मानते भी नहीं, जगदम्बा को वो नहीं जानते, मानते भी नहीं। अगर मानते भी हैं तो नेचर के रूप में मानते हैं, जड़त्व के रूप में मानते हैं। वो नहीं जानते कि जो भी जड़त्व में ही चीजें हैं उनका प्रतिबिंब कोई चैतन्य आत्माओं में भरा हुआ है, इसलिए उनकी तो बात ही छोड़ो। जो भारतवासी है, जो माता को मानते हैं, उनमें भी दो प्रकार के, एक सिर्फ माता को मानते हैं जय माता दी, और पिता को भूल जाते, और दूसरे ऐसे हैं जो माता को भी मानते और पिता को भी मानते, प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले हैं।
एक तरफ है राम और एक तरफ है रावण। राम से ज्ञान आता है, रावण से अज्ञान आता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और रावण को व्यभिचारी कहा जाता है। ज्ञान का तंत्र है प्योरिटी और अज्ञान का तंत्र है इम्प्योरिटी, व्यभिचार। व्यभिचार रावण फैलाता है, पहले तो अनेक मतें फैलाता है। अनेक मतें फैलाने के कारण उसको दस शीश वाला दिखाया जाता है। मत मतांतर में अंतर पड़ता है तो दृष्टि वृत्ति में भी अंतर पड़ जाता है। एक जैसी समान दृष्टि किसी की रह नहीं सकती और दृष्टि वृत्ति में जब अंतर पड़ता है तो वाचा में भी अंतर पड़ जाता है। एक जैसी वाचा सब बोल ही नहीं सकते और वाचा में जब संघर्ष होता है तो कर्मेंद्रियों तक उतर आता है। कर्मेंद्रियों से हिंसक युद्ध करने लग पड़ते हैं। अब वो युद्ध का रूप चाहे 5-4 वर्ष के ड्रामा में 63 जन्मों का हो, ब्राड ड्रामा का रूप हो और चाहे संगम युग में शूटिंग पीरियड का सूक्ष्म रूप हो, वो व्यभिचार फैलाता है तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? पुरुषों को होता है या स्त्रियों को होता है? माताओं को बहुत दुख होता है, कन्याएं भी अछूती नहीं छोड़ती। माया छोड़ती तो किसी को भी नहीं, लेकिन कम और ज्यादा का सवाल है। तो माताओं में जो सबसे बड़ी माता है उसकी तो सबसे जास्ती दुर्गति होती है। 3 मूर्तियां हैं नंबरवार सूक्ष्म बतन के तबके में बैठी हुई है। एक मूर्ति सबसे ऊंचे धाम की ओर बैठी हुई है, क्या नाम है? शंकर। और दूसरी मूर्ति उससे नीचे तबके में बैठी हुई है, विष्णु। और तीसरी मूर्ति जो साकार दुनिया है, प्रकृति के 5 तत्वों वाली दुनिया, उस 5 तत्वों के सबसे नजदीक बैठी हुई। ये अधिष्ठात्री मूर्तियां हैं। कोई शांति धाम की अधिष्ठात्री है, कोई सुखधाम की अधिष्ठात्री है और कोई दुखधाम की अधिष्ठात्री है। ऐसे नहीं कि दुखधाम में हमेशा दुखी ही दुख मिलता है, सुख मिलता ही नहीं है। नहीं, दुख ज्यादा और सुख क्षण भंगुर होता जाता है। तो वो अज्ञान की दुनिया कही जाती है। अज्ञान माने अंधेरा,
इसलिए बोला ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात होती है। ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला कौन? रावण तो रात फैलाता है, तो दिन कौन फैलाएगा? निमित्त कौन बनेगा रावण के मुकाबले? राम। एक तरफ राम संप्रदाय और दूसरी तरफ रावण संप्रदाय। राम संप्रदाय उजेले में लाता है और रावण संप्रदाय अंधेरे में लाता है। रावण से आता है ज्ञान, राम से आता है ज्ञान। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी को ही वेद कहा जाता है। विद माने जानकारी। वो वेद की पहली भाषा का आदि किसके द्वारा? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से चार वेद निकले। ब्रह्मा के मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई। तो कोई किताबों की उत्पत्ति होने की तो बात ही नहीं है, ये तो ज्ञान की पैदाइश की बात है। तो जो आदि ब्रह्मा है उसके मुख से ऋक, ऋक माना सच्चाई, पहली सच्चाई निकली बीज रूप में। निकली तो, लेकिन उसमें भी दो रूप हो गए। एक उस सच्चाई को सुनने और सुनाने वाली, और दूसरा रूप हुआ उस सच्चाई को सुनने सुनाने के साथ साथ समझने वाली मूर्ति। ज्ञान सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, दोनों बातें अगर होती है तो प्रैक्टिकल एक्ट में आ सकता है। अगर सिर्फ सुन लिया जाए और दूसरों को सुना दिया जाए और प्रैक्टिकल में ना आवे, खुद अपना सुनने वाले सुनाने वाले का जीवन न पलटावे, तो वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। रावण प्रकांड विद्वान था। जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, ऐसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। दोनों को ही प्रकांड विद्वान माना जाता है। अंतर किस बात का है? ब्रह्मा में धारणा होती है सात्विक स्वरूप में, और रावण आता ही है द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से, दो मतें फैलाने वाले युग से। द्वैत बढ़ता जाता है, दो में से दो, दो में से दो, अनेक धर्म हो जाते हैं, अनेक मत मतांतर हो जाते हैं। ब्रह्मा में दो कैटेगरीज कर दी, एक प्रजापिता ब्रह्मा और दूसरा टेम्परेरी रथ। जैसे मुरली में बोला हुआ है कई जगह, मैं मुकर्रर रथ में आता हूँ, या बाप कहते हैं मैं मुकर्रर रथ लेता हूँ। पर मुरली में ये भी आ जाता है कि ये टेम्परेरी रथ है, माना सदा काल रहने वाला अंत तक नहीं है। तो यज्ञ के आदि में जो माताएं थी,
इन्होंने प्रजापिता के जाने के बाद यज्ञ का संचालन किया, वो भी ब्रह्मा के मुख हुए, और उन माताओं के भी जाने के बाद कराची से जो मुरली निकलती चली आई है वो ब्रह्मा के मुख से निकली, दादा लेकर वो भी ब्रह्मा का मुख है। ये तीनों ही मूर्तियां ब्रह्मा का मुख है। और वही आदि वाली दोनों माताएं, उनमें एक माता बोलने वाली नहीं थी, बोल बोल ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन धारणा में समय हुए थे। उन दोनों माताओं की कथाएं शास्त्रों में आती है, अनेक प्रकार के हवाले देकर के कथाएं बनाई हुई हैं। दो पत्नियों की, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से देवता पैदा हुए, दो दिति से दैत्य पैदा हुए और आदिति से देवता पैदा हुए। राजा उत्तानपाद की भी कथा आती है, कंपिला देश की महारानियों के रूप में सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का मतलब हुआ अपनी रुचि पूर्वक चलने वाली और किसी की बात को मानने वाली नहीं, और सुनीति का मतलब क्या हुआ, सुंदर नीतियों पर चलने वाली। इस ज्ञान में सुंदर नीतियों को देने वाला कौन, अरे शिव बाबा, शिव बाबा के मुकाबले और तो कोई सुंदर नीतियां नहीं सिखा सकता। उसके अपोजिशन में माया या रावण की जो दसी से दिखाए जाते हैं वो विकृति फैलाने वाली है। उन दस शीशों में माया के पांच रूप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और प्रकृति माता के पांच रूप, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये दस रूप रावण के सिर के रूप में दिखाए जाते हैं। रावण अर्थात रुलाने वाला, रावण पुरुष था या स्त्री के रूप में था, भक्ति मार्ग में तो पुरुष रूप ही दिखाया जाता है, भक्ति मार्ग में दसों सिरों को पुरुष दिखाते हैं, और ज्ञान मार्ग में बाबा ने क्या बताया, पांच पुरुष मुख और पांच स्त्री मुख, बाबा ने तो सही बताया। प्रकृति माता है, जो अव्यक्त वाणी में बोला है, क्या बोला है कि प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है, पूरे वर्ष के अंदर घर परिवार में मकान में झाड़ू कब लगाया जाता है, हैं? दीपावली आती है, लक्ष्मी का आवाहन होता है, तो उससे पहले क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं अच्छी तरह से, कोना कोना साफ करते हैं।
कीड़े मकोड़े एक भी न रहने पाए तब होगी वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना। कीड़े मकोड़े काटने वाले होते हैं, जो नई दुनिया बनेगी उसमें तो एक भी कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। मुरली में बोला है, क्या बोला है, ऐसे ही स्वर्ग आ जाएगा क्या? ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जो एक भी विकारी उस किले के अंदर पांव नहीं रख सकेगा। अभी कोई संगठन रूपी ऐसा किला बेसिक में या एडवांस नॉलेज में दिखाई पड़ता है? कहीं देखा है किसी ने जो कोई भिखारी उस संगठन में पांव न रख पाता हो? नहीं देखा। अच्छा सुना है मुरली में या व्यक्तवाणी में कोई पॉइंट ऐसा सुना है? अरे है? ऐसा संगठन का किला, ऐसा मजबूत किला जिसमें कोई विकारी पांव भी न रख सके, अच्छा एक तो संगठन होता है छोटा रूप, इसे दुनिया एक साथ थोड़े ही 500 करोड़ की बन जाएगी या 33 करोड़ देवताओं की बन जाएगी या चलो त्रेता के अंत के 10 करोड़ देवताओं की दुनिया बन जाएगी। शुरुआत कितने से होगी है? 3 से होगी या 8 से होगी? 3 से होगी। 3 में तो एक दुखधाम की मूर्ति बता दी गई, वो दुखधाम से चिपक के बैठ जाती है, छोड़ती ही नहीं। एक मूर्ति जस्ट अपोजिट सुखधाम से बिल्कुल बुद्धियोग टूटा हुआ, कब से है? 76 से। कृष्ण का चित्र उस समय ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में दिखाया जाता था। क्या चित्र दिखाया जाता था? कृष्ण के चित्र की तरफ है इशारा करके बाबा बोलते थे कि नई दुनिया तीरी पर बहिष्ट के रूप में ला रहा है और पुरानी दुनिया को लात मार रहा है। फिर ये भी बोल दिया 10 वर्ष में नई दुनिया आवेगी और पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। तो क्या चुटकी मारते खलास होने की बात बोली क्या? ऐसे तो नहीं होता है। इतनी 500-700 करोड़ की बड़ी दुनिया चुटकी मारते कैसे खलास हो जाए? टाइम तो लगेगा ना। अच्छा प्रैक्टिकल में खलास हो जाएगी या वाचा से खलास हो जाएगी या मनसा में खलास हो जाएगी? मनसा में खलास हो सकती है। क्यों? क्योंकि संकल्पों से शूटिंग आई हुई है। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, ये गायन है। तो जब ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जा सकती है तो क्या नंबरवार ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जाएगी? हैं? ब्राह्मण नंबरवार जो है
वो अपने संकल्पों से सृष्टि नहीं रचते हैं क्या? अपने संकल्पों से अपनी ही सृष्टि रचते हैं। शुभ संकल्प चलाएंगे, बाप की श्रीमत के अनुकूल संकल्प चलाएंगे तो सुख की सृष्टि बनेगी, और नेगेटिव संकल्प चलाएंगे, श्रीमत के वर खिलाफ संकल्प चलाएंगे तो दुख की सृष्टि बनेगी। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में ही सुख मिलता है और द्वापर कलयुग में सुख नहीं मिलता। नहीं, सुख का मादा कम होता जाता है द्वापर कलयुग में। कोई कोई ऐसी आत्माएं भी बताई हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहती है, जैसे देवी देवता सनातन धर्म के जो पक्के हैं उनके लिए बोला है कि तुम बच्चे दुनिया का पौना हिस्सा सुख भोगते हो और धर्मों के मुकाबले। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि और धर्म वाले हैं ना, वो सब आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं और तुम पौना हिस्सा सुख भोगते हो पक्का। माना देवी देवता सनातन धर्म का कोई प्रजावर्ग का भी क्यों न हो, वो भी कितना सुख भोगेगा, कम से कम इस सृष्टि में पौना हिस्सा सुख भोगेगा और चौथाई हिस्सा दुख भोगता है। तो सब ये तो प्रजावर्ग की बात हो गई। कोई तो तीव्र पुरुषार्थ करने वाले भी हैं, बहुत याद में रहते हैं, खूब अच्छा वाइब्रेशन बनाते हैं याद में, संगठन क्लास को कभी नहीं छोड़ते क्योंकि संगठन से बड़ा भारी वायुमंडल बनता है। तो क्या ये झूठी बात है? हमें नहीं अनुभव होता। चलो, अनुभव भले ना होता हो लेकिन मिसाल तो हिस्ट्री में मौजूद है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं और उनकी हिस्ट्री 2500 साल की मिल रही है, उनमें कौन सा ऐसा धर्म है और कौन सा ऐसा देशवासी देश है जहां राजाई सबसे जास्ती चली हो? कौन सा धर्म है ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक उन्होंने राजाई भोगी और राजाई उनको भी मिलती है संगम युग में? ऐसे नहीं कि वो द्वापर कलयुग में ही राजाई लेते हैं। देखो, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है उन सबको ब्राह्मण बनना ही बनना पड़े। सारी सृष्टि ब्रह्म की औलाद बनेगी, नंबरवार ब्राह्मण तैयार होंगे तो सुख शांति का वर्षा भी बाप से लेंगे, जिसे कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। तो कौन से धर्म के लोग हैं जिन्होंने सारी दुनिया पर बहुत लंबे समय तक राजाई की है? राजाई में ही सुख होता है, ये भगवान की देन है राजाई। ये राजाई का पाठ, राजाई की पढ़ाई दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं पढ़ाता सिवाय भगवान की, और भगवान भी एक ही जन्म में आकर के ये पढ़ाई पढ़ाता है, अनेक जन्मों में नहीं पढ़ाता, एक जन्म में ही सारी पढ़ाई पढ़ा करके राजयोगियों को राजयोग सिखा करके राजाई देता दे जाता है जन्म जन्मांतर। तो कौन सा ऐसा धर्म है हिस्ट्री में जिसने सबसे लंबे समय तक राजाई की है? सनातन धर्म। सनातन धर्म, सनातन धर्म ने, इस्लाम धर्म, इस्लाम है। सारी सृष्टि की बात हो रही है, भारतवर्ष की नहीं हो रही है, सारी पृथ्वी
माना पृथ्वी पृथ्व्याति, पृथ्वी जो है वो विस्तार को पाती चली जाती है। पृथ्वी को माता कहा जाता है। माता पहले कन्या होती है तो छोटा रूप होता है, तो जब शादी हो जाती है, बच्चे पैदा होते जाते हैं, तो विस्तार को पाती जाती है। तो धरणी कहो माता कहो, उस सारी धरणी पर कौन से धर्म ने, हिस्ट्री के अंदर 2000 वर्ष की हिस्ट्री मिलती है, कौन से धर्म ने सबसे जास्ती राजाई की है? इस्लाम धर्म। मुसलमानों ने जितने लंबे समय तक राजाई की है सारी सृष्टि पर, उतना और किसी ने राजाई नहीं। क्रिश्चियन तो अभी 100-200 वर्ष के अंदर आए, उनकी राजाई इतनी ज्यादा नहीं फैली हुई थी। तो ये जो राजाई उन्होंने प्राप्त की, वो कौन से बल से उन्होंने प्राप्त कर ली? भगवान। क्या उनको भगवान मिला हुआ था? संगठन। क्या संगठन? उस संगठन का मिसाल क्या है? है? संगठन का मिसाल ये है कि सब मुसलमानों की बुद्धि काबा में लगी रहती है, बुद्धि एकाग्र होकर के एक की तरफ लगी हुई होती है, चाहे कोई भी देश में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, इंग्लिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, उनका बुद्धि का योग एकाग्र होता है। और एकाग्रता से यूनिटी आती है, और यूनिटी उन्हीं में आती है जिनमें प्योरिटी होती है। कोई कहेगा ये तो उल्टी बात हो गई कि मुसलमानों में प्योरिटी होती है। अभी वर्तमान समय के हिसाब से, द्वापर और कलयुग के हिसाब से मुसलमानों में ज्यादा प्योरिटी है, क्योंकि वो चार चार पांच पांच प्रतियां ही रखते हैं, चोरी चकारी उनके देश में नहीं चल सकती। और हिंदुस्तानी राजाएं अब क्या कर रहे हैं? चोरी चकारी पत्नियां ज्यादा रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन हुआ, मुसलमान हुए या भारतवासी हुए? भारतवासी बहुत बिगड़ जाते। तो प्योरिटी से यूनिटी आती है। 2000 साल तक विकारी तो सब होते हैं, लेकिन लिमिट में बंधे हुए हैं वो। भारत के राजाओं ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया कृष्ण का मिसाल दे करके, कि कृष्ण को 16,000 रानियां थी तो हम क्यों नहीं रह सकते। अब जब राजाएं ऐसा काम करेंगे तो यथा राजा तथा प्रजा है? राजाओं के पास तो बहुत धन संपत्ति होती है, आधा में जाम आधा में रैयत, तो उनको तो चल जाएगा, इतनी रानियों को खिलाए पिलाए सकेंगे? प्रजा कैसे खिलाएगी? तो प्रजा क्या करती है, है? प्रजा क्या करेगी? अरे अरे अनेक रानियां रखेगी या नहीं रखेगी? यथा राजा तथा प्रजा, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, नियम तो एक ही है। क्या नियम है? यथा राजा तथा प्रजा। तो द्वापर कलयुग में जो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं, वो अनेक रानियां रख सकती है या नहीं रख सकती है? नहीं रख सकती। और चोरी छिपे डकैती में रखती हो तो रखती है या नहीं रखती है? रखती है। तो ज्यादा प्योरिटी सो यूनिटी कौन से धर्म में रहती है? है? इस्लाम धर्म। अभी क्रिश्चियंस आगे बढ़ गए।
भारतवासी सबसे जास्ती नीचे गिरेंगे। जो थोड़ी बहुत राजाई चलती थी क्रिश्चियंस के जमाने में, नाम मात्र के तो राजा थे ना, वो सारी राजाई चट हो गई। अब बाप फिर कहते हैं, बच्चे जहां जहां कहीं भी तुम्हारे संगठन क्लासेस होते हैं, उन संगठन क्लासेस में जितना यूनिटी का ध्यान रखेंगे, संगठन को अटेंड करने का ध्यान रखेंगे, वाइब्रेशन को बनाने का ध्यान रखेंगे, वाइब्रेशन बनाने का मतलब ये है अलर्ट होकर के याद में बैठना संगठन। संगठन अटेंड करना अच्छी बात, याद में बैठना अच्छी बात, संगठित होकर के ज्ञान सुनना अच्छी बात, लेकिन अगर संगठन में बैठ करके झुटका खाते हैं तो डिससर्विस करेंगे या सर्विस करेंगे? डिससर्विस होगा। कोई के प्रति दृष्टि से, वृत्ति से गंदा वाइब्रेशन फैलाते हैं तो सेवा होगी या डिससर्विस होगी? संगठन का वायुमंडल ही खराब होता जाएगा। और बताइए, क्लास माना संगठन, क्लास में रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी। रेगुलर माना नित्य प्रतिक्रिया, क्लास करना, ऐसे नहीं कि हमको तो ये काम है वो काम है, हम बीमार है, ये है वो है, 30 बहाने बना दिए और हम संडे संडे जाएंगे, गुरुवार को जाएंगे, हम हमेशा नहीं जा पाएंगे। या हम संगठन, मासिक संगठन होगा तो एक बार जाएंगे, हम अपने घर में भी तो मुरली सुन सकते, वो ही तो मुरली है। कौन सी? जो मुरली बाबा VCD में, टेप रिकॉर्डर में चलाते हैं, वो ही तो मुरली है, लेकिन घर में वो वाइब्रेशन नहीं बनेगा संगठन का। इसलिए संगठित क्लास के ऊपर बहुत ध्यान देना है। कितना सहज कर दिया है, इस ज्ञान को कहते हैं सहज ज्ञान, सहज योग। भगवान आते ही है सब कुछ सहज करने के लिए, कुछ कठिनाई नहीं है। गली गली में गीता पाठशाला खुलती जा रही है। वो तथाकथित ब्राह्मण तो रोक लगाते हैं, ज्यादा सेंटर नहीं खुलने देंगे, ज्यादा गीता पाठशालाएं नहीं खुलने देंगे, और यहाँ एडवांस में रोक नहीं लगाई जाती, सिर्फ थोड़ा सा नियम है, युगल है, भट्टी की हुई है 7 दिन की, ज्ञान में थोड़े अच्छे हिंदी जानने वाले हैं, ये 3-4 बातें हैं, तो कोई भी अपने घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं। एक गली में एक गीता पाठशाला होनी चाहिए, गली गली में गीता पाठशाला होगी, घर घर में नहीं। अभी क्या बना दिया, अभी एडवांस, एकदम एडवांस चला गया आगे। एडवांस वालों ने क्या नियम बनाया, हम घर में बैठ करके मुरली पढ़ लेंगे, हमारा घर ही गीता पाठशाला है। माने बाबा ने बोला गली गली में गीता पाठशाला होंगी, और उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया दूसरों से, एडवर्टाइजमेंट भी करना शुरू कर दिया, घर घर में गीता पाठशाला होगी, बाबा ने बोला। बाबा के महावाक्य कोई पलट देते हैं। तो रावण 10 सिरों की यूनिटी बनाता है तो सारी दुनिया पर राज्य करता है। शास्त्रों में भी ये बातें आई है, संघ शक्ति कलौ युगे, संघ में शक्ति होती है, संघ माने संगठन, जैसे नाम रखा है जनसंघ, वो नारा भी लगाते हैं जनसंघ वाले, पहले लगाते थे, हर जुल्म जोर की टक्कर में जनसंघ हमारा नारा है,
पहले लगाते थे, अभी तो उन वो भी तमो प्रधान हो गए। डिस यूनिटी बढ़ती चली जा रही है। मुख से कहते हैं माताओं कन्याओं को आगे बढ़ाना है, और उमा भारती जैसी माताओं कन्याओं को, दिलेर माताओं को पीछे ढकेल देते। अब ऐसे तो संगठन नहीं बनने वाला है। बाबा ने तो घोषणा कर दी साफ साफ, जितने पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन है। इसका मतलब पुरुषों के द्वारा प्योरिटी का पालन नहीं हो सकता, वो गुरु का टाइटल नहीं ले सकते। माताओं को बोला है माता गुरु गाया हुआ है, इस बात में गुरु भाई लोग ज्ञान बहुत अच्छा अच्छा सुना लेते हैं, लेकिन प्योरिटी के मामले में अंदर से जानते हैं हम जीरो हैं। माताएं अगर आमादा हो जाए तो प्योरिटी के मामले में जो भी ज्ञान दिया गया है वो माताएं भाइयों का गुरु बन सकती है। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, सुनने सुनाने का ज्ञान नहीं है। मनुष्य से देवता बनाने का ज्ञान है। मनुष्य विकारी को कहा जाता है और देवता निर्विकारी को कहा जाता है। देवताओं में प्योरिटी होती है, ब्राह्मण सब अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की औलाद है, अभी प्रजापिता की औलाद नहीं बने। क्या कहते तो हैं सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, एडवांस पार्टी में कहते नहीं है क्या? क्या लिखते हैं? हैं? पीवी के लिखते हैं, और उनके लिए कहते हैं तुम तो रंडी पुत्र हो, अम्मा के पुत्र हो, अम्मा बाप दोनों के पुत्र नहीं है। तुम कहते भी हो बी के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, अम्मा कुमार अम्मा कुमारी, तुम अम्मा बाप का नाम नहीं लेते हो, हम तो देखो नाम लेते हैं। अच्छा तो नाम लेने से हो जाएगा? हैं? जैसे भक्ति मार्ग में नाम की बहुत महत्ता है, तो नाम लेने से दुनिया सुधर जाएगी, आत्मा का सुधार हो जाएगा। अरे नाम का भी आधार क्या है? नाम का आधार क्या है? काम। जिसने काम किया जैसा वैसा उसका शास्त्रों में नाम पड़ा है। चाहे दुर्योधन दुशासन रावण नाम पड़ा हो, और चाहे चाहे अच्छे अच्छे देवताओं का नाम पड़ा हो, वो सब काम के आधार पर नाम पड़े हैं। तो सिर्फ कह देने से प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो जाएंगे। अभी भी क्या कहेंगे प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार है या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार है? क्या है? है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार है। अच्छा, ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाले कौन? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी या ब्रह्मा कुमार कुमारी? है? प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी दिन बनाएंगे, प्रजापिता के सहयोग से बनाएंगे ना? हाँ। है? हाँ। अगर कोई बात में विपरीत बुद्धि रहे तो सही तो नहीं बना सकेंगे। तो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात अभी भी चल रही है। जो भी पुरुषार्थी मनुष्य आत्माएं ब्राह्मण बनी है वो सब निश्चय अनिश्चय के झलकोरे खाती रहती है। जैसे रात्रि के 12 बजे से ये तो सत्यता है कि सूर्य उदय होता है, घोर अंधकार कम होने लगता है, सूर्य पतन के गर्त से ऊपर आना शुरू होता है, लेकिन क्या एकदम सोजरा हो जाता है? है? एकदम सोजरा तो नहीं होता, ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है, विस्तार को पाता है,
या एकदम विस्तार हो पाता है? धीरे धीरे बढ़ता है। ज्ञान बुद्धि की चीज है, बुद्धिबाजता कलयुग के अंत में बढ़ती है या सतयुग के आदि में बढ़ती है? कलयुग के अंत में बुद्धिबाजता बढ़ जाती है और सतयुग के आदि में वो देवताएं बुद्ध हो जाते हैं। तो अभी बुद्धि का विकास तो हो रहा है क्योंकि सत्य ज्ञान मिल रहा है, सत्य बाप देने वाला है, बुद्धि विस्तार को पाती चली जा रही है। पर ब्रह्मा की रात क्यों नहीं खलास होती? कारण क्या है? जैसे वो सन्यासियों के चेले चपाटे होते हैं, वो भी कहते हैं हम गुरुजी के फॉलोअर हैं। जो गृहस्थी होंगे वो भी कहेंगे हम गुरुजी के फॉलोअर हैं, हम गुनाम के गुरुजी के फॉलोअर हैं। उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे गुरुजी ने तो घरघाट का त्याग कर दिया, तुम क्यों उलझे हुए हो? फिर तुम चेले काहे के, तुम फॉलोअर काहे के, फॉलो तो करते नहीं हो। यहाँ बाबा कहते हैं बुद्धि से छोड़ने की बात है, स्थूल में छोड़ने की भी बात नहीं है। इतना सहज कर दिया फिर भी डकौए के तीन पार। कैसी कैसी बातें बनाई हुई है लोगों ने, रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। ये अज्ञान अंधेरी रात चल रही है, आत्मा रूपी अंडे पकाए जा रहे हैं, ज्ञान जल गर्म होता चला जा रहा है, अंडे सारे के सारे कच्चे। तो बात थी ब्रह्मा की रात को दिन बनाने वाला कौन, और उसके सहयोग में रह करके रात को दिन बनाने वाले नंबर वार कौन, कोई होंगे या नहीं होंगे? आखिर प्रत्यक्षता होनी है कि नहीं होनी है? अभी टाइम आ गया कि अभी सोचते हैं कि अभी तो 30 साल और पड़े हुए, अभी तो रात के 70 साल पूरे हुए, अभी तो विष्णु की तीसरी मूर्ति का पार्ट रहा हुआ है ना। प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल शूटिंग होगी उसमें भी तो 4 अवस्थाएं अभी पास होनी है, नंबरवार होंगी, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो, या सब एकदम फट से सतो प्रधान विष्णु बन जाएंगे? टाइम लगेगा ना, तो टाइम लगेगा, इसलिए अभी लंबा समय पड़ा हुआ है, अभी और थोड़ा आराम कर ले। तो वो समय चल रहा है क्या? अभी टू लेट का बोर्ड लगने वाला नहीं है ना, कि लगने वाला है? है? अच्छा, टू लेट का बोर्ड कभी लगा था? 70 साल हो गए, पहले भी कभी टू लेट का बोर्ड लगा था? है? लगा था, कब लगा था? 76 में टू लेट का बोर्ड लग गया था, लेकिन सब मालाओं के लिए नहीं लग गया, 2 के लिए लगा, उनमें भी एक तो अभी एडवांस में ही नहीं है। लगना लगना न लगना बराबर की बात होगी, एक के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। बाप आकर के विश्व की बादशाही देते हैं राजयोग बल से, ये राजयोग बल से सारे विश्व की बादशाही का लकबा जिसको लेना था उसने ले लिया, वो टू लेट का बोर्ड लग गया। ये टू लेट का बोर्ड भी बहुतों ने जाना और बहुतों ने अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, संशय आता रहता है, तो अज्ञान की रात कहेंगे या ब्रह्मा का दिन कहेंगे? क्या कहेंगे?
अभी भी अज्ञान के अंधेरे में है। इतना विस्तार को ज्ञान पाया हुआ है, फिर भी रिजल्ट बुद्धि में भी नहीं आया। कहते हैं वो तो नियम बना हुआ है ना, ध्रुव तारा तो एक ही होगा ना, सारे ही ध्रुव तारा थोड़े ही हो जाएंगे। एक ध्रुव तारा एक जगह पर टिकता है एकाग्र होकर के, और बाकी सितारे तो चक्कर काटते रहते हैं ना, वो कोई एक जगह टिक करके थोड़े ही बैठेंगे। अरे चलो चक्कर तो काटते हैं, लेकिन नजदीक और दूर तो होते हैं, कोई तो बड़े लंबा चक्कर काटते हैं, विस्तार में चक्कर काटते हैं, और कोई सितारे होते हैं नजदीक में चक्कर काटते हैं। तो जो बड़ा चक्कर काटते हैं वो घाटे में रहेंगे, या जो नजदीक ही चक्कर काटते हैं वो घाटे में रहेंगे? बड़ा चक्कर काटते हैं घाटे में आ जाएंगे, बड़ा चक्कर काटने वाले। भक्ति मार्ग में बहुत चक्कर काटते हैं, ज्ञान मार्ग में चक्कर काटने की बात नहीं है, बल मुरली में बोला है। सबसे जास्ती जन्म किसके होते हैं? सबसे जास्ती जन्म मरण का चक्कर किसको आता है? वो कौन सी आत्मा है जिसको सबसे जास्ती जन्म मरण का चक्र आता है? अरे अरे बेहद की बात, निश्चय बुद्धि माना जन्म, बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि, बाप के ऊपर थोड़ा भी अनिश्चय आया माने मरा, अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु। ये निश्चय अनिश्चय का चक्र सबसे जास्ती कौन सी आत्मा को चलता है? ब्रह्मा को चलता है। बहुत कम लोग बोलते हैं जवाब में, इसका मतलब मुरली को रेगुलर और पंक्चुअल ध्यान से सुनते ही नहीं है। भक्ति मार्ग में इतने ढेर सारे शास्त्र, वो सारे के सारे बहुतों ने पढ़े हैं, बहुतों ने सुने हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मुरली है और उनमें ज्यादातर रिपीटेशन होता है, कोई भी बातों का रिपीटेशन, दो चार बातें एक एक मुरली में होती है जो नई बात निकलती है, तो नई बातों को पकड़ना चाहिए ना, जो नया है वही तो एडवांस है, जो पुराना है उसको एडवांस नहीं कहेंगे। तो अभी तो इस बात पर विचार करना है कि ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने के निमित्त कौन बनता है।